नमस्कार, आप देख रहे हैं गर्जम वर्चुअल और आज के न्यूज बुलेटिन में मैं पंकज खजूरिया। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी पुण्यतिथि पे एलजी मनोज सिन्हा ने किया। बात करें सीएम उत्तर प्रदेश योगी जी ने भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी जी को आज उनकी पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अर्पित। प्रेसिडेंट मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके पुण्यतिथि पे याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में डेमोलिशन पे लगाई। छत्तीसगढ़ के विलेज एक गांव जिसके लिए अब का स्वतंत्रता दिवस काफी खुशनुमा रहा, 70 साल के बाद वहां पहुंची थी। हिमाचल प्रदेश में हो रही तेज मूसलाधार बारिश के चलते फ्लड जैसी सिचुएशन, बड़े सारे लोग जो हैं इस समय बहने की आशंका। की बात करें तो युवराज सभा ने सरोवर टोल प्लाजा के लिए डीसी सांबा से की मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी के पुंछ जम्मू लोकसभा सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट युगल किशोर शर्मा ने युवराज सभा के विरोध को सही ठहराया। समाजवादी पार्टी के लीडर की बात करें तो अमित कुमार ने आज जम्मू तवी ब्रिज बंद करके स्मार्ट मीटर के खिलाफ दिया जोरदार धरना। कश्मीरी पंडितों के ऊपर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा कि पीएम चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द बसे। खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं उन्होंने उनको एक ग्रेट स्टेट्समैन का खिताब दिया आज उनकी पुण्यतिथि पे। उनके कहा कि वह अटल बिहारी वाजपेयी जो है अपने विजन, विजडम और अपने आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने सर को ऊपर रख के चलना सिखाया, उससे ये पता चलता है कि उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय सियासत के अंदर और भारतीय सभ्यता के लिए। वहीं सीएम योगी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उन्होंने आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। उनके साथ मौके पे एमएलए नीरज बोरा, चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा और बाकी मिनिस्टर जो उनके कैबिनेट के थे मौजूद थे। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कर्तव्य के लिए, अपनी बातों के लिए और अपनी निष्ठा भावना के लिए जाने जाते थे, जिसके चलते उन्होंने भारतीय राजनीति में एक खास मुकाम हासिल किया। बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनके आज पुण्यतिथि पे याद किया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वह 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहीं उन्होंने उनके योगदान को सराहते हुए कहा कि उन्होंने गुड गवर्नेंस का एक खास फाउंडेशन और बेस बनाया था। वहीं इसके साथ साथ उन्होंने पोखरण को याद करते हुए कहा कि भारत के पोटेंशियल को अगर किसी ने सही मायने में मापा तो वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए जो कार्य किए, जो सराहना की, वो आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला इस समय मथुरा से आ रहा है, जहां पे कृष्ण जन्मभूमि के चलते डेमोलिशन ड्राइव जो रेलवे द्वारा चलाई जा रही थी, आज उसके ऊपर रोक लगा दी गई। 3 जजों की खंडपीठ ने, जिसमें जस्टिस अनुराधा बोस और उनके साथ साथ संजय कुमार और एसबीएन भाटी ने एक ऑर्डर पास किया और इसके ऊपर रोक लगाई। वहीं उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई 7 दिन बाद होगी और जो रेलवे द्वारा वहां पे इलीगली जो जगह घेर हुई है उसके इनक्रोचमेंट के ऊपर जो डिमोलिशन हो रही थी फिलहाल नहीं होगी। हालांकि स्थानीय लोगों पे इस बात के ऊपर जो है अभी भी मतभेद देखने को मिले। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सुकमा इलाके के एक गांव जिसमें 70 साल बाद बिजली पहुंची और आज़ादी के 70वीं वर्षगांठ पे एक खास मुकाम जो है वो सुकमा के गांव के लिए रहा, वही
गौरतलब है कि नक्सल प्रभावित एरिया रहा सुकमा, और सुकमा में पिछले 70 साल से किसी प्रकार की कोई भी बिजली की आपूर्ति नहीं थी। वहीं अब की बार पुलिस की मदद के साथ साथ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने एक कार्य किया, जिस कार्य के चलते अगस्त 14 2023 को वहां पे आज़ादी के बाद पहली मर्तबा बिजली पहुंची। बात हिमाचल की करें तो वहां पे पिछले 3 रोज से हो रही तेज मूसलाधार बारिश के चलते इस समय सिचुएशन फ्लड जैसी बनी हुई है। वहीं अब तक की जानकारी के मुताबिक 45 लोगों की जो है मृत्यु की खबरें आ रही हैं। जगह जगह पे फ्लैश फ्लड्स आ रखे हैं और लगभग 700 के करीब अलग अलग जो रोड हैं हिमाचल के वो इस समय बंद हो रखे हैं। क्लाउड वर्ट्स और इसके साथ साथ तेज मूसलाधार बारिश के चलते पसियां गिरने से बड़ी स्थानों पे जो है रोड बंद हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक नेशनल डिजास्टर रिलीफ इस समय कार्य पे है और उन्होंने 67 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है ज्वालामुखी से, और वहीं 138 को इंदौरा से और 7 को फतेहपुर से, और 4 डेड बॉडी उन्होंने जो है वो दबे हुए मलबे से रिकवर की हैं। वहीं इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हिमाचल की राजधानी शिमला के समर हिल स्टेशन पे फिलहाल अब भी चल रहा है। एनडीआरएफ ने इस पूरे अपने ऑपरेशंस को 15 अगस्त को शुरू किया था और अब तक जो है वो कुल 67 लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू कर पाई है। टोल प्लाजा की बात करें तो जम्मू में इस समय बड़ा विरोध जो है आम जनता द्वारा और खासतौर तौर पे युवा राजपूत सभा द्वारा देखा जा रहा है। इसी विरोध को मद्देनजर रखते हुए युवा राजपूत सभा ने आह्वान किया था कि किसी प्रकार का कोई भी टोल सरोवर टोल प्लाजा पे ना काटा जाए। आज इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उनकी एक खास मुलाकात जो है जिला आयुक्त सांबा अभिषेक शर्मा से चल रही है, जिसमें युवा राजपूत सभा के प्रधान के साथ साथ बाकी उनके जो कोर टीम के सदस्य हैं वहां पे मौजूद हैं। गौरतलब है कि 2 रोज पहले युवा राजपूत सभा ने वहां पे प्रदर्शन किया था और उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये इंश्योरेंस मिली थी कि किसी प्रकार का टोल नहीं काटा जाएगा, लेकिन बीते कल की बात करें तो दोबारा वहां पे टोल काटा जा रहा है। वहीं टोल प्लाजा का विरोध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा, और इसके संदर्भ में जहां पहले भारतीय जनता पार्टी के लीडर चुप्पी साधे हुए थे, वहीं अब जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से एमपी जुगल किशोर शर्मा ने खुलकर समर्थन किया युवा राजपूत सभा का। उन्होंने कहा जिस प्रकार से युवा राजपूत सभा टोल का विरोध कर रही है वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि टोल जिस प्रकार से काटा जा रहा है वहां पे फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को 10 अगस्त को मानसून सत्र में सदन के अंदर उठाया था, और वहीं नितिन गडकरी जी ने भी इस पे इंटरफेरेंस किया था, लेकिन मंत्री के कहने के बावजूद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वहां से टोल काटना बंद नहीं किया और एक बार पुनः इस मसले को जो है वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के समक्ष रखेंगे। स्मार्ट मीटर का विरोध जम्मू में एक बार फिर देखने को मिला, और अब की बार जो है आम आदमी पार्टी के लीडर अमित कपूर ने जम्मू की लाइफलाइन तवी ब्रिज को बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध में उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं महिलाओं के साथ बच्चों भी देखे गए जो रोड पे उतरे और स्मार्ट मीटर के खिलाफ उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि स्मार्ट मीटर को लेके जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस समय अपनी स्पीड पकड़ी हुई है, और स्पीड के मद्देनजर रखते हुए अलग अलग स्थानों से स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि अब की बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हाईली रिकमेंडेड टीम बनाई है जिसमें तहसीलदार समेत उस DSP भी होंगे और इन स्मार्ट मीटरों को लगाएंगे, लेकिन प्रदर्शन जो है अलग अलग जगह से देखने को मिला। वहीं आज के प्रदर्शन में पुलिस काला दस्ता भी मौजूद था और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो उस घटना को रोकने के लिए सतर्क था। कश्मीरी पंडित समुदाय को लेके एक बड़ा बयान LG मनोज सिन्हा की तरफ से आया। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो विस्थापित जो 90 के दशक में मिलिटेंसी के चलते वहाँ से आगे थे, उनको दोबारा कश्मीर में पुनर्वास किया जाए और इसके लिए वह कार्यरत हैं और इस कार्य को पूरा करते रहेंगे। एक TV के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ सेंटर की सरकार इसके ऊपर कार्य कर रही है, और वह सारे मुलाजम जो वादी कश्मीर में इस समय पैकेज के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए रहने का पूरा बंदोबस्त किया है। क्वार्टर जो है उनको हैंडओवर कर दिए गए हैं और बाकी जो बचे हुए क्वार्टर हैं बहुत जल्द उनको हैंडओवर कर दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ये सरकार का पूर्ण और
दृढ़ संकल्प है कि वह कश्मीरी पंडितों को वापस उनके घर कश्मीर में बहुत जल्द भेज देंगे और वहां पे उनका पुनर्वास कर देंगे। ये एक बड़ा बयान हालांकि देखने को मिला। इससे पहले कश्मीरी पंडित समुदाय के जो मुलाजिम थे पीएम पैकेज के, वो अक्सर वहां की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए विरोध करते हुए नजर आते थे। मुख्य समाचार एक बार फिर से। एलजी मनोज सिन्हा ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर किया याद। सीएम उत्तर प्रदेश योगी ने भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में डेमोलिशन ड्राइव पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ के एक गांव के लिए खुशखबरी, 70 साल बाद वहां पहुंची बिजली की आपूर्ति। हिमाचल में भारी बारिश के चलते फ्लड जैसे सिचुएशन और बड़े सारे लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका। युवा राजपूत सभा को टोल प्लाजा को मद्देनजर रखते हुए इस समय जिला आयुक्त सांबा के साथ की मीटिंग। बीजेपी एमपी पुंछ जम्मू लोकसभा सीट से जुगल किशोर शर्मा ने युवा राजपूत सभा को टोल प्लाजा के विरोध में किया समर्थन। आम आदमी पार्टी के लीडर अमित कपूर ने स्मार्ट मीटर को लेकर तवी ब्रिज पे दिया जोरदार धरना प्रदर्शन। और कश्मीरी पंडित समुदाय के पुनर्वास के लिए एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि बहुत जल्द वह वापस कश्मीर में उनका पुनर्वास हो जाए। अगली अपडेट के लिए देखते रहें ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद। I'm not the one who's running out of time.